हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 11 की, जो कि 30 जुलाई के लिए जारी की गई क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे बच्चे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेशर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके पास अक्सर एक ऐसा पेन होता है जिसमें आप दबाते हैं पेन को, प्रेस करते हैं टिप को, तो वो नीचे की साइड में खुल जाता है और अगर वापस टिप को दबाते हैं तो वो बंद हो जाता है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि जब उस टिप को आप दबाते हो तो वो फोर्स की वजह से आपको कुछ आपके अंगूठे पे दर्द भी करता है। इसी को हम प्रेशर कहते हैं या फोर्स कहते हैं बच्चों, क्योंकि फोर्स भी एक प्रेशर ही है एक तरह का। अब ये कैसे है, अब इसे समझने के लिए अब थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। प्रेशर एक तरह की फोर्स है या फोर्स एक तरह का प्रेशर है, क्यों है ऐसा? क्योंकि जब फोर्स का एप्लीकेशन होता है तो वो किसी चीज़ को साइज़ को, शेप को, मोशन को चेंज कर देता है। सेम एप्लीकेशन यहाँ पे प्रेशर भी करता है, इसी वजह से हम फोर्स और प्रेशर को लगभग एक जैसा मानते हैं। लेकिन जब फोर्स को परपेंडिकुलर लगाया जाता है तब उसे थ्रस्ट कहते हैं, और थ्रस्ट ही डिपेंड करता है किसी एरिया पे वो कितना लगाया जा रहा है। इस एरिया पे जब लगाया जाता है, किसी फिक्स्ड एरिया पे जब इसे लगाया जाता है तो इसे फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे नापा जाता है या गिना जाता है, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इट्स एसआई यूनिट वाज पास्कल, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि इसे डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप ज़रा देखते हैं, हम जो डेली एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं बच्चों। तो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं प्रेशर को, डिक्रीज करके एरिया ऑफ एप्लीकेशन को। कैसे? ए नाइफ कट्स इजीली थ्रो वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प एंड। अगर शार्प एंड से हम इसे नाइफ से किसी चीज़ को काटे तो फटाफट कटती चली जाती है। ब्लंट एंड से काटे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एरिया ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, वो चीज़ों को नहीं काट पाएगा। फिर है बच्चों, ए नेल इज हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड, यानी कि जब पॉइंटेड साइड से हम हैमर से जब ठोकते हैं कील को तो वो क्या करता है, जल्दी घुस जाती है, उसी के बारे में कहा गया बच्चों। फिर है ए स्विंग नीडल सीज फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड, यानी कि जल्दी से सील देती है पॉइंटेड एंड से कपड़ों को, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और एरिया ऑफ एप्लीकेशन कम हो रहा है। अच्छा, अब इसे डिक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, तो डिक्रीज़ करने के लिए डिक्रीज़ करना पड़ेगा प्रेशर और इंक्रीज़ करना पड़ेगा एरिया। अब अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमारे जो बैग के स्ट्रिप्स हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, तो उन्हें चौड़ा बनाए जाने का कारण क्या है, ताकि प्रेशर को डिक्रीज़ किया जा सके और इंक्रीज़ किया जा सके एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को, एरिया को, ठीक है बच्चों। अब टायर्स के व्हीकल्स को ब्रॉड बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है, इसी वजह से बनाया जाता है इसे भी। और पिलर्स ऑफ फ्लाइवर्स हैव वाइडर बेस, ये चौड़े बनाए जाते हैं इनके बेस, ताकि ये पूरे के पूरे प्रेशर को सह सके। आपने जो है इस चीज़ों को मेट्रो पे देखा होगा और इसे बैग में देखा होगा बच्चों अपने। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला है, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। तो जो व्हीकल्स के टायर हैं बच्चों, उन्हें ब्रॉड किस लिए बनाया जाता है, ताकि प्रेशर को डिक्रीज किया जा सके और इंक्रीज करा जा सके, किसको, एरिया ऑफ एप्लीकेशन को बच्चों, इस वजह से ऐसा किया जाता है। फिर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद ए ब्लंट नाइफ। तो ऐसा किस लिए है कि डिक्रीज़ हो रहा है प्रेशर और इंक्रीज़ हो रहा है एरिया ऑफ एप्लीकेशन। अगर क्या हो, डिक्रीज़ हो जाए एरिया ऑफ एप्लीकेशन तो इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर। जैसा कि शार्प एंड से जब हम काटते हैं चीज़ों को तो होता है, नाइफ से तब होता है बच्चों। अब बात करते हैं सी की। सी क्या कहता है, योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट, बट यू विल नॉट गो
दैट डीप वाइल लाइंग डाउन ऑन इट, यानी कि जब आप खड़े होते हो तो आप सैंड में अंदर तक धंस जाते हो, लेकिन जब आप लेट जाते हो तो उस पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा किस लिए होता है बच्चों? तो जब आप खड़े हो तो क्या हो रहा है, आपका जो प्रेशर है वो एक तरह से बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप उसमें अंदर घुस जाओगे, ठीक है ना। और जब आप लेट जाओगे तब क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो बहुत बड़ा हो गया, आप एरिया बढ़ गया, इसी वजह से डिक्रीज हो गया प्रेशर, तब आप आराम से उस पर लेटे रह सकते हो बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।